अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जयंती के पूर्व संध्या पर गुरु कृपा संस्थान द्वारा आजाद चौक स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती के पूर्व संध्या पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है तथा संकल्प लिया गया है कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने कार्यों से देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इस अवसर पर गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक ब्रजेश राम त्रिपाठी, पार्षद गोली सिंह, बबलू तिवारी, राहुल पांडे, निशांत त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जो सन्नी पांडे जो अब तक के कार्यक्रम हुए, नॉर्मली हम लोग जो मंझे हुए कलाकार हैं उनको तो सुनते ही रहते हैं। मंझे हुए कलाकारों को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो नवोदित कलाकार है, आप सबने देखा होगा कि आप उसके बाद आए इनका फीका रह गया। अगर ये उसके पहले उनसे प्रेयर किया था, मतलब मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे की वजह से ये कलाकारों के साथ एक समस्या है कि यदि कोई उसके पहले बहुत अच्छा कवि पढ़ जाए या कोई बहुत अच्छा कलाकार अपना प्रदर्शन कर जाए तो बाद में जो व्यक्ति बोलने आता है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है कि अपने आप को उससे फीस कैसे साबित करें। नॉर्मली हम लोग जब बच्चों को सुनते हैं तो एक आत्मीयता सी हो जाती है। मैंने देखा ढेर सारे लोगों ने उस पर अपना स्नेह निछावर किया जैसे भी था, और बच्चा भी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आज का जितना भी कार्यक्रम मेरे सामने हुआ उसमें वो हीरो ही था, सबसे अच्छा प्रदर्शन उसका था। आज आज़ाद जयंती नमन कार्यक्रम था जो गुरु कृपा संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मतिथि की पूर्व संध्या है और इस अवसर पर जो भी वक्ता थे, आज रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ और सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अपने विचार रखे और ये आह्वान किया कि जो हमारे शहीद हैं उनकी जो भावनाएँ थीं उनके अनुरूप ही हम आगे भारत का निर्माण करें और भारत को चलाएं।